आज मैं जा रहा हूँ ईरान के एक शहर जिसका नाम मशहद मुकद्दस है, जहाँ पर हमारे 8वें इमाम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक है। तो अभी हम घर से निकले हैं, ये घर है हमारा, अभी यहाँ से हम निकले हैं, गाड़ी हमारे सामने आई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इस सफ़र में आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, मशहद के अतवाफ की और मशहद की तमाम ज़ियारत इंशाल्लाह आपको कराएंगे। अभी हम निकले हैं घर से ये, और अभी हम जा रहे हैं कुम से तेहरान, और तेहरान से जो है मशहद के लिए हमारी ट्रेन की टिकट है आज। तो इस सफ़र में हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, मिलते हैं। पहुँच गया आखिर ईस्तगाह है, राह आहन, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं रेलवे स्टेशन। ये है तेहरान में रेलवे स्टेशन, 8:50 की हमारी ट्रेन है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे 8:50 पे मशहद के लिए इंशाल्लाह। हम ट्रेन में पहुँच गए हैं, अभी हम ट्रेन में सवार होंगे और यहाँ से मशहद के लिए अब रवाना होंगे। नहीं भाई, हम ट्रेन में सवार हो गए और अभी जो है ट्रेन चल पड़ी है। 9 बजे हम निकले यहाँ से और इंशाल्लाह रात 8-9 बजे हम जो है मशहद में होंगे। रास्ते में उतरे हैं नमाज के लिए, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो 15-20 मिनट के यहाँ पर वक्फ़ा है, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम जाएंगे वापस। ये रास्ते में रुके आप देख सकते हैं, ये भाई हम पहुंच गए मशहद तकरीबन 12 घंटे के सफ़र के बाद, तो अभी हम उतर रहे हैं ट्रेन से, चलिए हमारे साथ। ये पहुंच गए हम जी मशहद, अभी ट्रेन से हम उतरे हैं, तो अभी हम जाएंगे बाहर से गाड़ी करेंगे, गाड़ी कर से यहाँ से सीधे होटल। ये देखें इस ट्रेन का नाम रजा है, सामने वो एक और खड़ी है, पता नहीं कौन सी है। ये ट्रेन देखें ये डबल है, ठीक है, ऊपर भी बैठ सकते हैं और इसमें नीचे भी बैठ सकते हैं, जगह दोनों में। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से और सीधे गाड़ी पकड़ेंगे और जाएंगे सीधे होटल, तो हमारे साथ ही रहिएगा आप भी, ओके। ये मशहद में जो है रेलवे स्टेशन का जो अड्डा है, मेन अड्डा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं। ये अभी हम लोग यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर आए और इस वक्त कमाल का बहुत ज़बरदस्ती मौसम है यहाँ पे, तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे होटल। होटल में हमारा स्टे है 3 दिन का इंशाल्लाह। ये देखें हम लोग अभी पहुँचे यहाँ पर, बताऊँ मैं वैसे ना, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतनी ठंड भी नहीं है, यानी इंजॉयबल मौसम है। ये रेलवे स्टेशन, यहाँ से लेकर वो सारा जाता है आगे तक,